हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सब स्पेस के बारे में, जो कि लीनियर अलजेब्रा का पार्ट था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि तीन लेक्चर रियल एनालिसिस के होंगे, फिर टू लेक्चर लीनियर अलजेब्रा के, फिर वन लेक्चर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, और ऐसे ही एक अप्लाइड का लेक्चर। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम पहले एनालिटिक वगैरह नहीं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉची थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको जो बेसिक डेफिनेशन है एनालिटिक वगैरह के सब पता होगी। ये हम कॉची थ्योरम के जितने भी इंपॉर्टेंट सिंपल रिजल्ट है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये सब डेफिनेशन वगैरह वैसे ही क्लियर होगी, लेकिन जो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं हम उसी क्वेश्चन को फोकस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। बाकी रियल और लीनियर अलजेब्रा को पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉची थ्योरम से। कॉची थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, कम से कम 1 क्वेश्चन तो एग्जाम में इसके बनते ही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखो, क्योंकि इस लेक्चर में हम कॉची थ्योरम के जितने भी डिफरेंट फॉर्म हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फॉर्म देख लेंगे, कि कॉची थ्योरम का एक फॉर्म है कि किसी भी, फॉर एग्जांपल कोई भी क्लोज कंटूर ले लो, और अगर फंक्शन उस क्लोज कंटूर के अंदर, या एक ऐसा डोमेन जिस पे फंक्शन एनालिटिक हो, तो कोई भी क्लोज कंटूर ले लो तो उस क्लोज कंटूर ओवर के ओवर जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो वो जीरो होता है। बट उसके जितने डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो सारे डिफरेंट फॉर्म हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्म आता है कॉची वीक थ्योरम। कॉची का वीक थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई एफ ऑफ जेड एनालिटिक है विद अ कंटिन्यूस डेरिवेटिव, तो देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दिया कि कंटिन्यूस डेरिवेटिव, ये आपको याद रखना है, विद कंटिन्यूस डेरिवेटिव। इसीलिए हम कहते हैं कॉची का वीक थ्योरम किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर। अब सिंपली कनेक्टेड डोमेन, पहले मैं आपको डोमेन का डेफिनेशन बता देता हूँ। डोमेन का डेफिनेशन होता है कि कोई ओपन कनेक्टेड रीजन। तो अगर कोई भी ओपन कनेक्टेड रीजन है वो हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है। देखो कनेक्टेड तो ऑलरेडी है, जब भी डोमेन आता है ये मान के चलना है वो ओपन और कनेक्टेड है। सिंपली का मतलब ये होता है कि कोई भी ग्राफ ऐसे कट नहीं करना चाहिए, और अगर वो कट कर रहा है तो वो स्टार्ट और एंड पॉइंट पे, यानी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू, जैसे 1-1 फंक्शन हम डेफिनेशन लेते हैं कि कोई भी वैल्यू ऐसे इस तरीके से कट नहीं कर रही, और अगर कट कर रहा है इसका मतलब वो ए और बी के इक्वल है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इफ एंड ओनली ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज अगर ए पॉइंट डिफरेंट है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी डिफरेंट होगा। इसे हम सिंपली कनेक्टेड कहते हैं, मतलब इस टाइप के आपके ग्राफ नहीं होंगे। ठीक है, और सी अगर कोई क्लोज कंटूर ले लूँ जो कि पूरी तरीके से डी के अंदर आ रहा है, तो उस कंटूर के ओवर जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो वो जीरो होता है। बाकी इसके एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा। पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। सिंपल इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी डोमेन ले लो डी, जैसे मान लो ये सपोज आपके पास एक डोमेन है डी, और ये कैसा होना चाहिए, सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए। देखो ये क्लियरली एक सिंपल है, कहीं भी कट नहीं कर रहा है, और कट कर रहा है तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे। और दूसरी बात ये है, ये कनेक्टेड होना चाहिए, हर दो पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ये ओपन भी, सपोज ये ओपन है। अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि एक क्लोज कंटूर ले लो, क्लोज कंटूर, तो मैं एक क्लोज कंटूर ड्रॉ कर देता हूँ इसी में। सपोज ये मेरे पास एक क्लोज कंटूर हो गया, ठीक है, क्लोज कंटूर लेना है और इसके ओवर इंटीग्रेशन फाइंड करना है, द इंटीग्रेशन ओवर दिस क्लोज कंटूर। यानी कि जब भी आपको इस सी के ओवर इंटीग्रेशन पूछे तो इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे पास कॉची का वीक थ्योरम ये है कि जो भी आपका फंक्शन है इस पूरे डोमेन पे, डोमेन और उसके इनसाइड द डोमेन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, और सच दैट वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस डेरिवेटिव भी होनी चाहिए, उसकी कंटिन्यूस डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। तब हम ये कहते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है किसी भी क्लोज कंटूर के ओवर जो इंटीग्रेशन होती है वो जीरो हो जाता है। ये कह रहा है कॉची का वीक थ्योरम। बट आगे हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूस डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को भी हटा दिया जा रहा है, यानी कि अगर वो कंटिन्यूस डेरिवेटिव नहीं भी होगा फिर भी वो फंक्शन क्या होता है, उसका जो इंटीग्रेशन है किसी भी क्लोज कंटूर के ओवर जीरो होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी फंक्शन
एनालिटिक है किसी डोमेन डी के अंदर और उसके अंदर कोई क्लोज कंटूर ले लो सी, तो उस क्लोज कंटूर पे उसका जो ओवर क्लोज कंटूर जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा जीरो होगा। कंडीशन क्या है कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए डोमेन के अंदर और उसकी कंटिन्यूस डेरिवेटिव एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कंटूर, अरे कॉची का वीक थ्योरम। अब इसी को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है, ये देखो कॉची थ्योरम फॉर रेक्टेंगल। तो देखो अब हम इन जनरल से पहले हम कुछ इसके बेसिक मतलब पहले रेक्टेंगल के लिए करेंगे, फिर किसी ट्रायंगल के लिए करेंगे। ऐसे देखो रेक्टेंगल के लिए सेम ट्रायंगल के लिए भी होता है या फिर रेक्टेंगल के लिए ले सकते हो, और उसके बाद हम किसी भी क्लोज कंटूर के ओवर बोलेंगे। तो ये कह रहा है कि कॉची थ्योरम फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए कॉची थ्योरम क्या होगा। सेम वही थ्योरम है कि आप कोई भी एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है किसी भी डोमेन जिसके अंदर रेक्टेंगल हो सी, मान लो ये आपके पास कोई डोमेन है, इस डोमेन पे जो भी फंक्शन है वो एनालिटिक होना चाहिए, तो कोई भी क्लोज रेक्टेंगल ले लो। अब ऐसे क्लोज बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल अपने आप में क्लोज होता है। तो एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक है और एक ऐसा डोमेन जिसके अंदर रेक्टेंगल और उसकी इंटीरियर पॉइंट कंटेन कर रही है, तो अगर इस रेक्टेंगल के ओवर में इंटीग्रेशन फाइंड करूं तो आंसर क्या आएगा, जीरो। सेम वही बात कर रहा है कि पूरे डोमेन पे फंक्शन एनालिटिक है बट यहाँ पे कहीं भी कंटिन्यूस डेरिवेटिव के बारे में जिक्र नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि एक जो एक्स्ट्रा कंडीशन था इस जो यहाँ पे इसको निग्लेक्ट किया है। तो कॉची थ्योरम का जो कॉची थ्योरम है वीक थ्योरम को अगर मैं हटा दूँ तो कॉची थ्योरम के अंदर वो जो एक कॉन्सेप्ट था कंटिन्यूस डेरिवेटिव को हटा दिया, यानी कि जरूरत नहीं है। अगर कंटिन्यूस डेरिवेटिव नहीं है फिर भी उसका इंटीग्रेशन ओवर एनी क्लोज कंटूर क्या होगा, जीरो होगा, अगर फंक्शन पूरे डोमेन पे एनालिटिक है और वो क्लोज कंटूर उस डोमेन के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो कोई भी एक क्लोज कंटूर ले लो उस डोमेन के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि जो इंटीग्रेशन होगा ओवर दैट क्लोज कंटूर वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो ये भी सेकेंड थ्योरम भी क्लियर हो गया। बट इसका एक कोरोलरी होता है, अच्छा इसी को कॉची थ्योरम या कॉची गुड़सुट थ्योरम भी कहते हैं, दोनों ही लिखा रहता है कॉची गुड़सुट थ्योरम और कॉची, इसी कॉची के ही अलग अलग फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कंडीशन कह रहा है कि हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एनालिटिक की भी जरूरत नहीं है, यानी कि अब फंक्शन अगर हर पॉइंट पे एनालिटिक ना हो फिर भी फंक्शन क्या हो सकता है, उसका इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर के अंदर जीरो हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये सपोज हमारे पास डी है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर स्टेटमेंट देखना। ये सपोज डी है, ये कह रहा है कि इस पूरे डोमेन पे फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए, कहीं भी एनालिटिक की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि पूरे डोमेन पे फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए, और एनालिटिक क्या हो, कुछ पॉइंट को छोड़ के हर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, तब हम ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर एनी क्लोज कंटूर क्या होगा, जीरो होगा। देखो यही कह रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है किसी डोमेन डी के अंदर तो रेक्टेंगल सी एंड इट्स इंटीरियर, मतलब पूरे रेक्टेंगल पे और उसके अंदर क्या हो, पूरी फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो, पूरे डोमेन पे भी हो, रेक्टेंगल पे भी हो, रेक्टेंगल के इनसाइड भी हो। सपोज दैट कि फंक्शन एनालिटिक हो उस एक पॉइंट को छोड़ के, यहाँ पे एक पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब पूरे डोमेन में से अगर किसी एक पॉइंट को मैं निकाल दूँ, मान लो सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं रिमूव कर दूँ और उसके बाद हर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है तो भी इंटीग्रेशन इस क्लोज रेक्टेंगल के ऊपर क्या होगा, जीरो होगा। मतलब एक पॉइंट पे एनालिटिक न होने से कुछ इफेक्ट नहीं होता। हालांकि इसको हम लोग डिटेल में जब एनालिटिक के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि एनालिटिक को एक पॉइंट से वैसे भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि एनालिटिक का डेफिनेशन ये होता है कि एनालिटिक के एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक कब होगा, जब उसके अराउंड में एक डोमेन फाइंड कर लूँ तो पूरे डोमेन पे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उसको एक पॉइंट को रिमूव करने से कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो देयरफॉर अब ऐसे एक पॉइंट नहीं, यहाँ पे मैं अगर फाइनाइट पॉइंट निकाल दूंगा, आगे हम लोग मल्टीपल कनेक्टेड में देखेंगे कि अगर बहुत सारे पॉइंट को भी मैं रिमूव करूँ तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता, वो कॉची का जनरल फार्मूला हो जाएगा, या फिर जनरल टर्म्स में कह सकते हैं जो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर किसी डोमेन में से किसी एक पॉइंट को हटा दूँ, यानी कि उस पॉइंट पे अगर वो फॉर एग्जांपल क्या ना हो, फंक्शन एनालिटिक ना हो, बट कंडीशन ये कि हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए,
मतलब एनालिटिक हर पॉइंट पे जरूरत नहीं है, किसी एक पॉइंट को हम लोग छोड़ सकते हैं जैसे फंक्शन एनालिटिक ना हो, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फिर भी क्लोज कंटूर के ऊपर जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल के लिए, ऐसे ही हम इन जनरल किसके लिए ले सकते हैं, अच्छा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन है, ये यूज हो रहा है आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन आपने रियल एनालिसिस में डिस्कस किया होगा। तो ये सिंपल से है कि अगर एफ ऑफ जेड कंटिन्यूस भी है किसी डोमेन पे, ये कॉची थ्योरम क्या कहता है कि मान लो कोई फंक्शन है और एफ ऑफ जेड इस पूरे डोमेन पे क्या है, कंटिन्यूस है, और ऐसा कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाए एफ ऑफ जेड सच दैट कि वो जो एफ ऑफ एफ डैश जेड है उस फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये एफ ऑफ जेड आ जाएगा इन डी, तो देन फॉर एनी कंटूर सी, तो अगर मैं कोई भी कंटूर ले लूँ पैरामेट्राइज बाय जेड ऑफ टी, तो वो क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ जेड डी जेड। ये हमारा सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब उसका एंड पॉइंट ले लो, जो भी आप एक पैरामीटराइजेशन डिफाइन करोगे तो उसका एंड पॉइंट पुट करोगे तो क्या होगा, जेड ऑफ बी, और जब स्टार्टिंग पॉइंट पुट करोगे जेड ऑफ ए। लेकिन अगर क्लोज कंटूर है तो हमें पता होता है कोई भी क्लोज कंटूर का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो सेम होगा, दैट मीन्स, और कंटूर को हम लोग देखेंगे जब पैरामीटराइजेशन वगैरह, तो कंटूर को हम लोग पैरामीटराइजेशन फॉर्म में लिखते, तो फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम है तो दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब इंटीग्रेशन ओवर जीरो होता है। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन में भी हम ये देख सकते हैं कि अगर क्लोज कंटूर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो। और ये आपको स्टेटमेंट इसका याद रखना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन का। अब इसी चीज़ को हम जनरलाइज करते हैं, ये आखिर में ये एक्चुअली प्रूफ में यूज होता है, जब हम इसको प्रूफ करेंगे डिस्क के लिए तो इसकी हमें जरूरत पड़ती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का। अब ध्यान से सुन, डिस्क के लिए हम कर सकते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट है जैसे वहाँ पे रेक्टेंगल लिया था, यहाँ पे डिस्क ले लिया, कि अगर कोई फंक्शन किसी भी डोमेन पे जो कि एक डिस्क को कंटेन कर रहा है अगर एनालिटिक हो जाए पूरे डोमेन पे, सपोज ये पूरे डोमेन पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो कोई भी एक क्लोज क्या ले लो, डिस्क ले लो, कोई भी अगर आप क्लोज डिस्क ले लेते हो तो उस क्लोज डिस्क पे क्या होगा, क्लोज डिस्क मतलब एक पॉइंट पे जेड नॉट पे खड़े होकर आर रेडियस का एक सर्कल बना लो, इसे हम कहते हैं क्लोज, तो उस पे भी उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो। तो जेड माइनस जेड नॉट एक क्लोज डिस्क है जिसका रेडियस आर है और सेंटर क्या है, जेड नॉट, तो इस डिस्क पे भी इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो। अब उसी का फिर से एक कोरोलरी आ जाता है कि अगर उस पॉइंट में से पूरे डोमेन में से अगर एक पॉइंट हटा भी दूं और उस पे उस पॉइंट पे, यानी हटाने का मतलब ये कि उस पॉइंट पे एनालिटिक ना हो लेकिन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए तो भी इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो। ये इसी का कोरोलरी है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी डिस्क पे एक्सेप्ट सम पॉइंट, देखो यहाँ पे सम पॉइंट दे दिया है कि मान लो कुछ पॉइंट ए पॉइंट पे वो क्या है, फॉर एग्जांपल एनालिटिक नहीं है, तो लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूस होना चाहिए, एंड कंटिन्यूस फॉर एवरी जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन, यानी कि हर पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, पूरे क्लोज डिस्क पे क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब बाउंड्री पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए और इनसाइड भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो भी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है ओवर अ क्लोज डिस्क क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि कुछ पॉइंट को हटा देंगे जिस पॉइंट पे वो एनालिटिक ना हो, बट कंडीशन ये कि वो कंटिन्यूस तो होना चाहिए, तो भी फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर दैट क्लोज डिस्क क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्म थे हमने सारे डिस्कस कर दिए। एक इसी में और एक इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो ये इन जनरल बात कर रहा है कि कोई भी आप कंटूर ले लो कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, किसी भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर कोई फंक्शन एनालिटिक है और सी एक क्लोज कंटूर है जो उसी के अंदर लाई कर रहा है, मान लो कोई भी एक क्लोज कंटूर ले लो, किसी भी टाइप का क्लोज कंटूर जो कि इस पूरे डोमेन के अंदर जिस डोमेन पे फंक्शन क्या हो एनालिटिक है, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो होगा। अब तक हमने क्लोज डिस्क के लिए दिया था और रेक्टेंगल के लिए दिया था, ये इसलिए करते हैं क्योंकि इन जनरल हम फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हम उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, हम क्लोज डिस्क का यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी किसी बुक में हम ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, और उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम, ये सब हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें प्रूव करना होता है कि ये इन जनरल ट्रू है किसी भी क्लोज कंटूर के लिए। तो ये इंटीग्रेशन जीरो हो गया। अगर इसी का कोरोलरी कि कुछ पॉइंट को हटा भी दूं, जैसे हम कहते हैं कॉची थ्योरम का मल्टीप्लाई कनेक्टेड डोमेन, मल्टीप्लाई कनेक्टेड डोमेन मतलब ये मेरे पास पूरा
डोमेन है और इसके कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ना, मतलब इस तरीके से मल्टी कनेक्टेड डोमेन है, मतलब ये होल कर सकते हैं जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बट हर पॉइंट फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तो भी हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो इंटीग्रेशन होगा, अगर पूरे कंटूर का हम सम ले लें, जैसे यूनियन लेंगे और उसमें इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो भी आंसर कितना होता है, जीरो होता है। तो ये सब आपको याद रखना है जब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो इसके आगे से आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है, किसी भी डोमेन पे, डोमेन के अंदर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो किसी भी क्लोज कंटूर के ऊपर जब इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, जीरो। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और आपको कुछ और रिजल्ट याद रखने हैं, जैसे ये 1/z-z0 where z0 इज द सेंटर ऑफ अ डिस्क। तो अगर कोई भी क्लोज कंटूर ले लो सी, z0 अगर उसका एक्सटर्नल पॉइंट है सी का, सी है इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट z0 और ये सपोज मेरे पास डोमेन है, तो इसके ओवर जब मैं इंटीग्रेशन फाइंड करूंगा ये हमेशा जीरो होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये होता है कि जिस पॉइंट पे ये प्रॉब्लम दे रहा था वो तो हमारे सेट के बाहर है, यानी कि पूरे फंक्शन पे और पूरे डोमेन पे फंक्शन एनालिटिक है, और एनालिटिक है तो बाय कॉची थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जीरो होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर जेड नॉट हमारे डोमेन के अंदर इंक्लूड कर जाए तब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूला बनता है कि एन की वैल्यू वन के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा, 2πi, लेकिन बाकी हर केस में इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो। तो ये दो कोरोलरी बोलो या रिजल्ट बोलो जो आपको माइंड में रखना है और ये काफी यूजफुल होता है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन को आपको खाली स्टेटमेंट पढ़ना है और आपके एक बार प्रैक्टिस हो गई तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही एग्जाम में जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन को ध्यान से जो भी आपको गिवन है उसको अच्छे से नोट डाउन करना है, और अगर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस है तो आपको सारे पॉइंट देखने हैं कि उसमें क्या क्या गिवन है, क्या जो नीड है इंटीग्रेशन जीरो बताने के लिए, जिस चीज़ की नीड है वो अगर सारा उसमें प्रेजेंट है दैट मीन्स आपका इंटीग्रेशन जीरो होगा। बट अगर उसमें से अगर ये कह रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है पूरे डोमेन के अंदर और आपका जो कंटूर है वो क्लोज है और वो उसकी जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, एक कंटिन्यूस डेरिवेटिव आ रहा है, तो जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एनालिटिक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि फंक्शन पूरे रीजन पे एनालिटिक है तो क्लोज कंटूर के ऊपर इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भी जीरो होगा। मान लो किसी पॉइंट पे वो, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी पॉइंट है जहाँ पे वो कंटिन्यूस तो है बट उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा, डेरिवेटिव नहीं एनालिटिक नहीं है, फिर भी हम क्या कह सकते हैं वो फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ओवर दैट कंटूर, क्लोज कंटूर क्या होगा, जीरो होगा। अब ये देखो, पहले तो आपको सबसे पहले गिवन देखना है, कह रहा है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है किसी सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी के अंदर, तो कोई भी क्लोज पाथ ले लूँ उस डोमेन के अंदर, कोई भी क्लोज पाथ ले लूँ तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको डायरेक्टली बोलना है इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। किसके थ्रू, बाय कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम ये कहता है कि आप कोई भी डोमेन ले लो अगर उस पर फंक्शन एनालिटिक है, किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर फंक्शन अगर एनालिटिक है तो कोई भी अगर आप क्लोज पाथ ले लो उस क्लोज पाथ के ओवर जो इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा जीरो होगा। ये जो सिंबल है ये क्लोज के लिए होता है कि आपका जो डोमेन है, जो भी आपका रीजन या फिर जिसके ओवर आप इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हो सी, वो क्या है, क्लोज है। तो आप, आई होप आपको क्लियर होगा, सिर्फ स्टेटमेंट आपके माइंड में होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स में ये होता है, अगर आपका स्टेटमेंट क्लियर है ना, एक बार स्टेटमेंट आपके क्लियर हो तो आपको एग्जाम्पल बहुत ईजी लगते हैं। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको उसके स्टेटमेंट काफ़ी अच्छे से क्लियर, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी एक क्लोज कंटूर है। पहला कॉन्सेप्ट एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि सी हमारे पास एक क्लोज कंटूर है, और क्लोज कंटूर मतलब ओरिजिन पे एक आर रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। एन की वैल्यू -1 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जेड रेस टू एन को अगर -1 नहीं है इसका मतलब 1/z नहीं है, बाकी एन की हर वैल्यू हो सकती है, एन की वैल्यू 2 हो सकती है, एन की वैल्यू 3 हो सकती है, एन की वैल्यू 4 हो सकती है, माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे एन को अगर आप इंटीजर्स भी समझ रहे हो तो इसके दो केस होंगे, या तो ये जेड रेस टू एन होगा, ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन है और पॉलीनोमियल जितने भी फंक्शन होते हैं वो एनालिटिक है, एनालिटिक अगर किसी भी डोमेन पे है तो किसी भी क्लोज कंटूर के अराउंड इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो। तो वैसे ही बाकी सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, आंसर जीरो आ गया। लेकिन अगर मैं और एक केस ले लूँ कि एन की वैल्यू सपोज इंटीजर्स हो लेकिन -1 ना हो, तो ये कैसे आ जाएंगे, ये इस तरीके से मैं एक एम डिनोट कर देता हूँ, वेयर एम इज इक्वल टू -n, तो ये क्या होगा, सारे -2, मतलब इसके पास 1/z^2m, बट हमने देखा था कि m की वैल्यू अगर 1 नहीं है
तो हर केस में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो देयर फोर दोनों ही केसेस से हमारा इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। सिंपल रिजल्ट पता होना चाहिए, कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर है तो क्वेश्चंस को हम बहुत ही जल्दी टैकल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ वन बाय जेड, और जेड क्या दिया, सी इज अ सर्कल। अगर सी एक सर्कल, हमें पता है ये क्या होता है, हमेशा क्लोज कंटूर है, और वन बाय जेड, वन बाय जेड का आपको याद रखना है, वन बाय जेड में, और हम क्या लेते हैं, वन बाय जेड, जेड माइनस जेड नॉट लेते हैं। अब यहाँ पे जेड नॉट पे कुछ नहीं, इसका जीरो पॉइंट है। आपको पता होगा यूनिट सर्कल के अंदर जीरो इसके इनसाइड में आता है, यूनिट सर्कल के अंदर क्लोज कंटूर है, एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, जो हमने रिजल्ट देखा था कि वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का जो आंसर है, जेड स्टूडेंट, इसका आंसर में से क्या होता है, टू पाई आई, जब एन की वैल्यू क्या होगी, वन, बाकी हर केस में क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे क्लियरली जेड के ऊपर कितना पावर है, वन, और जीरो जो है इंटीरियर पॉइंट। अगर एक्सटीरियर पॉइंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जीरो हमारे यूनिट सर्कल के अंदर कंटेन करता है, दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा वो टू पाई आई। ये जो हमने रिजल्ट देखा था उसमें रिजल्ट नंबर थ्री का जो बी पॉइंट है वो है, तो इसका आंसर क्या होगा, टू पाई आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ए पे खड़े होके, एक पॉइंट ए है, सपोज ये मेरे पास ए है, और इस ए पे खड़े होके ये पॉइंट सपोज सेंटर है ए, और एक आर रेडियस का मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये सपोज एक आर रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। और ये कह रहा है कि मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, क्लियरली एक क्लोज कंटूर है, इक्वल का साइन है, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, सब क्लोज होते हैं। कह रहा है कि वन अपॉन जेड माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ए क्या करना है, सर्कल के इनसाइड है, अगर आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो उसका सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर होता है, इसका मतलब ये हो गया कि उस कंटूर के अंदर कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हम वही थ्योरम यूज करेंगे जो लास्ट टाइम किए थे, वन अपॉन जेड माइनस ए के ऊपर पावर क्या है, वन, और वन के लिए इसका आंसर हमेशा क्या होता है, टू पाई आई, तो वन क्लियर होगा। तो वो दो रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो, टू पाई आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे मैंने कहा था रेक्टेंगल के लिए रिजल्ट हो, ट्रायंगल के लिए हो, या कोई भी क्लोज कंटूर हो, ये डोमेन है उसके अंदर ट्रायंगल है। कह रहा है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड एंड बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल, मतलब बाउंड्री पे भी है, ट्रायंगल पे भी है। एक काम करता हूँ इसी को डोमेन ले लूँ, क्योंकि मेन फोकस क्या है कि उसके किसी जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है उसके अंदर कोई रीजन कंटेन करना चाहिए, क्लोज रीजन। इसका मतलब ये पूरे रीजन पे क्या है, ये पूरे डोमेन, पूरे बाउंड्री पे भी है और इनसाइड भी है, मतलब। और दूसरी बात, रेक्टेंगल क्लोज कर भी होता है, तो देयर फॉर इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो बाय कॉची थ्योरम। सीधे सीधे कॉची थ्योरम का अगर स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है तो हम सीधा कहेंगे बाय कॉची थ्योरम इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये कह रहा है एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, पहला थ्योरम, कॉची का वीक थ्योरम, एट ईच पॉइंट विद इन और ऑन अ क्लोज कर्व सी। एक क्लोज कर्व है, उसके अंदर, उसके बाउंड्री पे फंक्शन एनालिटिक है, साथ ही साथ उसका जो डेरिवेटिव है वो भी कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉची वीक थ्योरम के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह रहा है उस क्लोज कंटूर के ओवर इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उस क्लोज कर्व के ओवर जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो होगा बाय कॉची वीक थ्योरम। कॉची का वीक थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन पे एनालिटिक है तो कोई भी क्लोज कंटूर ले लो तो इंटीग्रेशन जीरो होगा। बट वहाँ पे सिर्फ एनालिटिक नहीं कहता, एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर देता है कि उसका कंटिन्यूस डेरिवेटिव भी होना चाहिए। बट हालांकि एनालिटिक इनफ है, बट वहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन, तो बाय कॉची थ्योरम इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉची वीक थ्योरम, इंटीग्रेशन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ ट्रायंगल। ये तो वही क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो। अब ये देखो, कह रहा है कि एक फंक्शन दिया है जेड स्क्वायर और किसी क्लोज कर्व के ऊपर सी एक सर्कल, ऐसा क्लोज नहीं बोला, सी एक सर्कल बोला है विद अ सेंटर जीरो एंड रेडियस टू। ये कह रहा है कि सेंटर जीरो ले लो, ये सेंटर जीरो है, और आप क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ कर दो जिसकी रेडियस कितनी है, टू, टू रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दो जीरो पे खड़े होके। अब ये कह रहा है कि मुझे इस कंटूर के ऊपर
क्या फाइंड करना है, इस क्लोज कंटूर के ऊपर इंटीग्रेशन फाइंड करना। सर्कल एक क्लोज कंटूर है। अब बताओ ये जेड स्क्वायर पॉलीनोमियल फंक्शन है, किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है इसमें नहीं, ये एंटायर फंक्शन है, एनालिटिक तो छोड़ो एंटायर फंक्शन है, हर जगह क्या होता है कंटिन्यूस, तो पूरे सी पे कंटिन्यूस है। सी को अगर मैं पूरा डोमेन भी ले लूँ और उसके अंदर ये क्लोज कंटूर ले लूँ, तो ये क्लोज कंटूर के ओवर इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, जीरो आएगा। क्यों? बाय कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम ये कहता है कोई भी एनालिटिक फंक्शन किसी डोमेन पे, तो कोई भी क्लोज कंटूर ले लो, क्लोज कंटूर मैंने एक सर्कल ले लिया जीरो पे खड़े होकर टू रेडियस का, एक क्लोज कंटूर है, तो इसके ओवर जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो होगा बाय कॉची थ्योरम। तो देखो फोर्थ ऑप्शन राइट। तो कॉची थ्योरम से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी कॉची थ्योरम के क्वेश्चन अब तक आए मैंने सारे इसमें इंक्लूड कर दिए। तो आई होप आपको कॉची थ्योरम के जितने भी उसके जितने भी फॉर्म है मैंने सारे डिस्कस किए, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने सारे डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कॉची थ्योरम से जो एक फार्मूला जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और इसी एक तो इससे बनता है और दूसरा हम रेसिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे जो आगे हम सिंगुलैरिटी यूज़ करके, कभी हम सिंगुलैरिटी नहीं डिस्कस किया तो बाद में हम वो थ्योरम देखेंगे जब हम सिंगुलैरिटी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ कॉची का फार्मूला अरे कॉची का थ्योरम पढ़ा और उसके जितने भी फॉर्म हैं वो सारे डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोरेरा थ्योरम और कॉची फार्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं, तो उन सारे एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए हमें सिर्फ स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट पे एक बार अच्छी पकड़ हो गई ना तो हम सारे क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ अप्लाइड के सेक्शंस को, अप्लाइड ठीक है जो भी रहेगा मॉडर्न अप्लाइड जो भी सेक्शन रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।